नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के वी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। रमजान चल रहा है आजकल प्रदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, निहाओ, और वो जो आप स्वाहिली में हमारी आंखों जागो बाना। क्या बात है साहब, क्या बात है साहब, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। द बिग न्यूज ऑफ द डे, द वेरी वेरी बिग न्यूज ऑफ द डे, मिस्टर राज ठाकरे हैज मेट मिस्टर अमित शाह। राज ठाकरे साहब की मीटिंग हुई आज अमित शाह साहब के साथ। कहा यह जा रहा है, अभी इसकी कोई आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, कहा यह जा रहा है कि एमएनएस भी एनडीए का हिस्सा बनेगी और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना को हो सकता है 2 सीटें दे दी जाएं। अब कहां से देंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राज ठाकरे साहब को दक्षिण मुंबई यानी साउथ मुंबई चाहिए और उनको शिरडी वाली सीट चाहिए। दक्षिण मुंबई प्रदीप जी यानी यस मिस्टर बेलिन द्वारा, बट सर 4 पर्सन चारों युति हो सकता है, देन इट बिकम्स अ फॉर्मेटेबल चैलेंज, बिकॉज राज ठाकरे जी ऑल्सो हैज सम परसेंटेज ऑफ वोट्स इन मुंबई एंड महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, ही इज गॉट अ नाइस साइजेबल परसेंटेज ऑफ वोट्स, वोटर शेयर भी है और लोग सपोर्टर्स है, जबरदस्त सपोर्टर्स है उनके पास। द फर्स्ट इलेक्शन ही गॉट नियरली 14 सीट्स फॉर महाराष्ट्र, नाउ यू कांट जस्ट अंडरराइट हिज परफॉर्मेंस, इफ ही प्लेस टू हिज होल फॉर ब्रिम, he can do a lot of surprises and really certainly he can damage Mr. Uddhav Thackeray. Exactly sir, exactly. I think exactly. That is the idea. The idea is to bring along Raj Thackeray and project him as the real Thackeray. And well, that's it. Mr. Uddhav Thackeray is already under attack and there's every possibility that Mr. Raj Thackeray might actually damage Mr. Uddhav Thackeray permanently. Of course, they say there's nothing permanent in politics, but this looks kind of lethal. At least that's what I think. Sir, if you have a center, as you have been always saying, center aapke saath hai, a powerful center, then you can play wonders because you have the center's muscle power and the money power along with you and your muscle power. Now, Raj Thackeray ji definitely has a fantastic muscle power in around Mumbai, Thane, Navi Mumbai and various parts of Maharashtra. Aap isko aap jodte ho, महाशक्ति जो बार बार इवन राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, महाशक्ति, अद्भुत शक्ति, वो अद्भुत शक्ति अगर इनको बरोबर प्लेटफॉर्म दे देता है तो ही विल वर्क वंडर्स। आई मीन आई थिंक इफ यू सी बालासाहेब ठाकरे एंड द बीजेपी अलायंस, इट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट प्रॉस्पर्ड एंड ग्रू बिकॉज वन वॉज अ नेशनल पार्टी and it had significant power at the center. It was the oldest ally of the Bharatiya Janata Party. Yes, yes, yes. And I think Raj Thackeray is ready to take its place. Exactly. There is a possibility. So, this is going to be a fantastic grooming ground for Raj Thackeray ji to actually flourish his party, make it go, take to the next level. That's right. And just by playing solo, I don't think he could have achieved very much. If he actually goes along with the BJP, gets the BJP or the NDA platform, there's every possibility that the MNS might become a major player in in government in days to come. There's every possibility. One never knows. It might happen. And if Bala Nangaonkar is there, probably their candidate, sir, I mean, he's been your good friend, he's been a friend of ours. It's good, he's going to be revived after a long time because that's right. He was a very good and very successful MLA when he was with the Shiv Sena. लेकिन प्रदीप जी आपको याद होगा सबसे पहले छगन भुजबल को हराने वाले बाला नंदगांवकर ही थे माजगांव से। yes, अगर आपको याद होगा 1995 में, बिल्कुल बिल्कुल 95 में बाला exactly. नंदगांवकर ने हराया था yes, छगन yes. भुजबल साहब को उनके खुद के गढ़ में। एज अ रिजल्ट ऑफ इट भुजबल साहब हैड टू चेंज हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। आजकल माजगांव से खड़े नहीं होते वो, तो ऑल बिकॉज ऑफ बाला नंदगांवकर। अब मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द परफेक्ट मूव फॉर राज ठाकरे पोलिटिकली स्पीकिंग। Of course, he may lose some of his moral stature, but politically, I think this is the right move. After all, he has to think about his family. Yes, sir. I mean, where, what will Amit Thackeray do? What is he going to do? Just be, you know, the way they are running right now, they are running an NGO. See, sir, the baat. Ek baar ye sarkar mein aa jaate hain, uske baad demand kar sakte hain na? Dekhiye saab, jo in logon ne jo abhi tak baatein kari hain ki sadak mein jitne khadde hain, all the potholes.
on the highways and everywhere else. Or their campaign about toll-free Maharashtra, their campaign for students, their campaign for so many things. They can actually get something done. My point is, in government, किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं बढ़ेगी फिर राज ठाकरे को नो कहने की. मुझको ऐसा लगता है. आई थिंक दिस इज द राइट मूव वेरी फ्रैंकली फॉर राज ठाकरे. एम्बुलेंस हैज अ ब्राइट फ्यूचर. बिल्कुल सर. एंड इट्स टाइम दैट ही यू नो रियली ग्रोज बिकॉज ही इज गॉट द टैलेंट. ही इज गॉट द टैलेंट. इनफैक्ट ऑल बाला साहब ठाकरेज गुड क्वालिटीज वेयर आर्ट लिटरेचर कैरिकेचर ड्रॉइंग ऑल दीज थिंग्स यू नो एक्चुअली इज बीन given and or public given, speaking and public speaking have been that's actually right. Can we have that picture on again please of Raj Thackeray saab with Amit Shah? Can we see that again please? Wo zara dikhaye Amit Shah ji ke sath Raj Thackeray ji ko. Abhi aap log dikha rahe the. Yes, thank you so much. And Amit Thackeray ji was also there, of course. I'm sure Sharmila Thackeray would be very 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 happy seeing this. I think very so painful. Ultimately, you know, justice will be done to his qualities. That's where right. Raj Thackeray ji is concerned, justice will be after all delivered to him because he had, as we were discussing, the qualities, the yes. art, literature, penning down, the you know, quest to read, acquire knowledge, all these things we see in Raj Thackeray ji. And it's time that justice actually prevails where he is concerned, because many of them feel that he is actually rightful owner. He had So he's a rightful inheritor of Balasaheb Thackeray's exactly, legacy. Exactly. On that, there is no the doubt. Legacy, we've been saying it for a long time. Yes, do you yes, remember? Yes. And with this, MNS will become a major player in Maharashtra politics. Bilkul, bilkul. Sir. Absolutely. Bilkul. So now you got four Mahayuti ke chautha ghatak dal aage saath mein where he's concerned, and if he does his campaign very well. And I think he can take over the entire thing because as on, there's no amount of double speaking where Raj Thackeray ji is concerned. वो कुछ मुंह में और कुछ बोलना और दिमाग में कुछ और रखना ये उनमें नहीं. अगर आपको याद होगा प्रदीप जी यहीं पर इसी शो के दौरान न जाने कितनी मरतबा यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रवक्ता आए. हर एक से हम लोग यही पूछ रहे थे कि भाई आप लोग क्या एनडीए में जा रहे हैं. यस यस. भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी बातचीत हो रही है. देवेंद्र फडणवीस जी से आप मिल रहे हैं. अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके पास आ रहे हैं. भवन कुले जी आपके पास आए. बाकी सब लोग भी आए. तो हर एक ने ये कहा कि भाई दैट ओनली मिस्टर राज ठाकरे कैन अनाउंस बट नथिंग कैन बी रूल्ड आउट इन पॉलिटिक्स इफ यू रिमेंबर. एग्जैक्टली ऑल ऑफ देम सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग. भले वो हेमंत कांबले जी हों या अपने योगेश चिले साहब हों सबने एक ही बात कही कि पॉलिटिक्स में राजनीति में हर चीज की संभावना होती है. संभावनाओं का खेल है साहब. कोई चीज असंभव नहीं है. And you know something, I may sound very biased over here, and I am, because I really want Raj Thackeray to do well. Very frankly speaking, I've always supported Raj Thackeray. You know, this gladdens my heart. I really feel so happy looking at this picture. ये जो तस्वीर है Raj Thackeray with Amit Shah. Very frankly speaking, Raj Thackeray और Amit Shah की जो युति अब बनेगी आगे जा करके. Let me tell you, MNS will become a really major player in Maharashtra. Maharashtra mein, jo Maharashtra Navnirman Sena ko jo bhumika ada karni chahiye, ab wo ada kar payenge. That is my view. Aap log iske bare mein kya samajhte hain? Aap zarur apne comments bhejein. Please do send your comments. Do you think this is the right move for Raj Thackeray? I think it is. But then who am I? I'm not part of either the BJP or the MNS. But whatever. But the fact remains. As far as the BJP is concerned, the BJP and the MNS will get along very well together. They more or less think alike. Their philosophies are different, same. Their Hindutva is the same. Everything is the same. So that's it. But the only thing is, you know, Uttar Pradesh mein, Samajwadi Party aur Congress. Congress ko abhi chaliye chhod dijiye. लेकिन समाजवादी पार्टी ये बात भुनाएगी कि ये वही बीजेपी है जो आज राज ठाकरे को अपनी एनडीए में लेकर के आई. वही एमएनएस जिन्होंने उत्तर भारतीयों को पीटा था. ये अब इसका ये मुकाबला कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं. लेकिन महाराष्ट्र के लिए ये सबसे बढ़िया खबर है साहब. बाकी उत्तर प्रदेश में
विपक्ष इसको कैसे भुनाएगा, समाजवादी पार्टी हो उधर आरजेडी हो, वो इसको कैसे भुनाएंगे, ये अभी देखने वाली बात है प्रदीप जी. दैट वी लव टू सी नाउ हाउ डज शरद पवार जी एंड उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस डोंट मैच एनीबडी ओरेटरी स्किल्स आर कंसर्न. राज ठाकरे जी का जो ओरेटरी स्किल्स है एंड हाउ इट्स गोइंग टू इफेक्ट, बिकॉज ही टेक्स पॉट शॉट्स इन अ वेरी नाइस एंड वेरी सिविलाइज्ड मैनर बट ही हिट्स द टारगेट्स वेरी वेल. So it will be difficult for Sharad Pawar ji, Supriya Sule and him to counter his oratory skills, because definitely he is on board NDA and the Mahayuti to take on these people. Or no wonder Supriya Sule actually said it today. Supriya Sule ji ki statement aayi hai, Raj Thackeray sahab aap idhar aa jaiye. Yes. Aapko malum nahi hai, ye log aapko istemal karke chhod denge. Look who's talking. Ye kaun keh raha hai? Zara apne aaine mein to dekh lo yaar. शरद पवार जी का पूरा करियर मतलब इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जिसकी जरूरत है आज उसको साथ में रखो, जिसकी जरूरत नहीं है जयराम जी की क्या बात कर रहे हो. आज आप राज ठाकरे को एडवाइस दे रहे हैं. बट एनीवे आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट राज ठाकरे इज नाउ पार्ट ऑफ द एनडीए एंड एट द मोमेंट फ्रॉम द बीजेपी आई थिंक वी हैव मिस्टर अजय पाठक. इज दैट राइट? अजय पाठक जी हमारे साथ. यस यस राइट. अजय पाठक जी नमस्कार. जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. जय सियाराम सर. क्या है? जय भवानी जय भवानी. अजय पाठक जी भाई दो चीजें हैं. एक तो हमारे राज ठाकरे साहब जो हैं वो अब आपके साथ आ गए हैं. तकरीबन हो गया है मामला. बट इज मिस्टर अजय पाठक विद अस? बिकॉज आई थिंक आई कैन सी दैट हिज फ्रेम इज फ्रोजन. अजय पाठक जी हमारे साथ हैं या नहीं है? इज ही विद अस? So why have we got his he was just okay face. Yes, on camera. He was okay right now and then. So बुलाइए उनको भाई, वापस चेक करिए. तो वो तो मुझे भी दिख रहा है, वो तो मुझको भी दिख रहा है कि उनका नेटवर्क इशू है. ये क्या बताने की बात है. लेकिन प्रदीप जी the other thing is once again बजाज जी नामबियार जी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. जय भवानी जय सिया राम. जय सिया जी. हर हर महादेव. हर हर महादेव. महादेव महादेव. साहब दो चीजें हैं. एक तो राज ठाकरे जी अब आपके साथ हो गए, बड़े दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी. हम लोग तो बोल ही रहे थे कि यार साथ में जाना चाहिए. राज ठाकरे जैसा वक्ता प्रवक्ता और राज ठाकरे जी की जो पकड़ है यहाँ पर मराठी मानुस पर, ऐसा कोई और आपको मिलेगा नहीं. नंबर एक. नंबर दो, एक बार फिर मोदी जी ने जमीन खिसका दी इंडिया अलायंस के पांव तले. वो जो बोल रहे थे क्या गुप्त शक्ति, क्या क्या हिडन, क्या कुछ अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति. बट राहुल गांधी जी ने हिंदुओं के बात की, हिंदू धर्म में तो वो एक शब्द शक्ति. अब उसको, अब मुझे तो ऐसा लगता है पाठक साहब इसके ऊपर शायद रोशनी डाल पाएंगे अच्छे तरीके से. सर ये राहुल गांधी की स्पीचेस आप लोग लिखते हैं क्या? आप जान करके कुछ ऐसा डाल देते हैं अंदर कि मतलब बाद में उनको उल्टा टांगने की, मतलब आपको बहुत अच्छी, बहुत अच्छा आपको आपको अवसर मिले. अजय पाठक जी आज तो बता ही दीजिए. चलिए बोलिए सर प्लीज. सर राहुल गांधी का जो प्रॉब्लम है वो नॉन पॉलिटिशियन की तरह वो बिहेव करते हैं और सब कुछ जानबूझ करके करते हैं. आप ये उनको ये मत समझिए कि उन्होंने ये गलती से बोल दिया होगा. वो जानबूझ के करते हैं. वो अपने एक वोट बैंक को टारगेट करके सब चीजें करते हैं. आप उनका अलायंस देखिए किन लोगों के साथ आज खड़ा है. जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, ए राजा जो बोलता है कि भगवान राम में हमारी कोई आस्था नहीं है, ना हम इस भारत देश को मानते हैं. इसका मतलब है कि वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत देश को नहीं मानते. तो उनके अलायंस पार्टनर इस तरह से राहुल गांधी ने चुना है. ये राहुल गांधी जी की जो कांग्रेस है, इस तरह के जो बैड लोग हैं जिनको, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत की जो सर्वाधिक बाहुल क्षेत्र की जो सर्वाधिक जनता है उसके अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं, खासतौर से सनातन के धर्म के अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं, उनको राहुल गांधी लीड करने का काम करते हैं. आप एक इसके फ्लैशबैक में जाइए, पीछे जाइए. आज एक 7-8 साल पहले जेएनयू में एक नारा लगा था, वो हम आपके सामने बोल भी नहीं सकते, टुकड़े टुकड़े गई के लोग बैठे हुए थे. उसको राहुल गांधी समर्थन देने के लिए जेएनयू गए थे.
वो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने के लिए राहुल गांधी वहां गए थे। तो आप इसको मिसकोट मत करिए, आप इस बुलावे में मत रहिए कि राहुल गांधी ये सब चीजें अनजाने में कर रहे हैं। राहुल यहाँ पर मोदी जी ने एक और बात कही है सर, सर 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 मोदी जी ने एक और बात कही है आज, बड़ी सुनने वाली बात है प्रदीप जी, बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि भाई आप लोग हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर हमेशा कटाक्ष कसते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं। yes, yes. किसी और धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे कभी, सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे। सर ये क्या है मेरी समझ के बाहर है? अरे ये तो जनेधारी शिव शिव भक्त हैं, शिव भक्त फैमिली है ये तो क्या है मतलब ये कौन सी प्रवृत्ति है ये? सर पाठक साहब बताए सर, ये लोग चुनावी हिंदू है, चुनावी हिंदू है। ये नया टर्म, इनका जो एजेंडा है वो चुनावी एजेंडा है। तो ये चुनावी हिंदू है, ये सनातनियों को या हिंदू को, सनातनी हिंदू जो है उनको भ्रमित करने के लिए हिंदू बनते हैं। जैसे आपने एक मूवी आई थी, आप देखा होगा आपने, कि वो जावली LLB जी, ये उसी किरदार को लोग निभाते हैं, उसी किरदार में लोग रहते हैं। जब चुनाव आ जाएगा तो जनेऊ कोट के ऊपर पहन लेंगे, ऐसे ये सनातन धर्म को खत्म करने वालों के साथ खड़े होंगे और सनातन धर्म में जिस शक्ति को पूजा जाता है उस शक्ति के विरोध में खड़े होंगे, उस शक्ति के अगेंस्ट ये बयान देंगे। तो इनके इनका जो DNA है कांग्रेस का DNA, ये लोग अंग्रेजों की गोद से पैदा हुई कांग्रेस इसी तरह की भावना से 1947 के बाद इसी तुष्टिकरण और जातिवाद में भारत को विखंडित करने के लिए राजनीति करते आए हैं और राहुल गांधी उसमें पुरोधा है। इस देश में जितने भी लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहेंगे राहुल गांधी उनके लीडर बन के आते हैं सामने। मुझे तो वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें ये तो पॉलिटिकल सुसाइड मतलब राजनीतिक तौर पर आत्महत्या करने वाली बात कर रहे हैं लोग। तो भाई अगर आप हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो आज की तारीख में भी 100 करोड़ के करीब हिंदू हैं यार इस देश में। आपके जो 96.8 या 98.6 करोड़ वोट्स जो हैं उसमें से 75 करोड़ वोट्स जो हैं वो तो हिंदू वोट्स हैं। आप उनको उनके खिलाफ बोल करके कैसे आप चुनाव जीत सकते हैं सर, बताइए ना प्लीज। बजाज साहब जी, इनको देखिए, हिंदुओं को बांटना है और एक विशेष समुदाय को टारगेट करना है जी। ये लक्ष्य उनका कहीं और है, हिंदू बट जाए और एक विशेष समुदाय इनके साथ खड़ा रहे या उसी को टारगेट करके ये खड़ा रहेगा क्या पाठक साहब? आज की तारीख में आज का मुसलमान क्या इतना बेवकूफ है? आप कुछ सोच के बताइए। मैं वही चीज बता रहा हूँ जी, देखिए मैं वही चीज बता रहा हूँ। 2014 के बाद से इनकी मुसीबत क्या है कि हिंदू बटा नहीं और मुसलमान भी धीरे धीरे, जिनको ये लोग अल्पसंख्यक या अपना वोट बैंक मानते थे, वो भी धीरे धीरे बीजेपी के साथ आने लगा, बीजेपी की नीतियों के साथ आने लगा। उनको ये पता चल गया उन 10 सालों में कि 10 सालों में जितनी भी 672 योजनाएं, लगभग 10 सालों में मोदी जी नई योजनाएं लेकर के आए, उसमें सबसे ज्यादा अगर बेनिफिशियल कोई व्यक्ति है तो सिर्फ और सिर्फ गरीब है। वो गरीब की कोई जाति नहीं है, ना वो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, बिल्कुल गरीब की कोई जाति नहीं है जी, जी, तो गरीब ये सोचते हैं कि सबकी जातियां हैं, कि लोगों को जातियों में बांटना सोचते हैं, लेकिन गरीब की कोई जाति नहीं है सर। गरीब जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है इन्हीं के पिता पाठक जी। मगर मोदी साहब ने ये शक्ति वाले चीज को एकदम पॉलिटिकल बना दिया है। मोदी साहब हर मंच पर आज वही चिल्ला के बोल रहे कि ये शक्ति के विरुद्ध है, शक्ति को नाश, उनका डायलॉग है मोदी जी, मोदी साहब का लाइनर्स है, शक्ति विनाश उनका ऐलान, शक्ति उपासना मेरा ऐलान, नारी शक्ति को अपमान करना राहुल का काम, नारी शक्ति को आगे बढ़ाना मोदी जी का काम। यानी ये शक्ति का जो कल शिवाजी पार्क में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आलोचना या हाईलाइट कर दिया है वो कांग्रेस को ही तकलीफ देने वाला है, जिस प्रकार से मोदी जी हर मंच पर चालू कर दिया शक्ति के बारे में। पाठक साहब
देखिए नाम्बियार जी, राहुल गांधी के शिवाजी पार्क की रैली में एक हिंदू हृदय सम्राट के सुपुत्र भी बैठे हुए थे। बिल्कुल, आप उनकी स्थिति देखिए, उनको 5 मिनट भी बोलने के लिए नहीं दिया गया और बेचारे उस एजेंडे कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वहां बैठे थे। आज बाला साहब ठाकरे साहब की आत्मा जो हिंदू हृदय सम्राट थे वो कहीं न कहीं दूषित, कहीं न कहीं दुखी होगी और रो रही होगी कि हमारे पुत्र को क्या हो गया, हमारा पुत्र ये क्या कर रहा है। कि जहां शक्ति की, शक्ति के अगेंस्ट में बात हो रही है, शक्ति हमारे यहाँ, शक्ति का जो रूप है वो नारी के रूप में हमारे यहाँ पूजा जाता है, वो दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, पार्वती के रूप में पूजा जाता है, नौ देवियों के रूप में पूजा जाता है, 51 शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है, 108 शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। उसी हिंदू धर्म की शक्ति को राहुल गांधी आज खड़े हो करके उनके उद्धव ठाकरे के सामने उस शक्ति को गाली दे रहे हैं, उस शक्ति को एक तरह से ये बता रहे हैं कि ये शक्ति विनाश का कारण है, कारण है, और वो बैठ करके किस तरह से उसको ग्रहण कर रहे हैं। उनकी मजबूरी देखिए पाठक साहब, आगे जाके एकनाथ शिंदे जी, आप ही क्या बात किए, एकनाथ शिंदे जी ने इसी चीज को हाईलाइट कर दिया। देखो उद्धव जी, उद्धव ठाकरे जी किसके साथ बैठे हैं, जो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं उनके साथ बैठ के, बाला साहब ठाकरे जी शिवाजी पार्क, और जो बाला साहब ठाकरे जी शुरुआत करते थे माजा हिंदू बंधवानो भगिनीनो, उसको ना करते हुए उद्धव ठाकरे जी ने ये एकनाथ शिंदे जी ने हाईलाइट कर दिया, हिंदू भगिनीनो बांधवानो भगिनीनो छोड़कर सिर्फ मेरे वफादार जो भी कहा बांधवानो भगिनो, हिंदू जो शब्द था उन्होंने हटा दिया, ये एकनाथ शिंदे जी ने हाईलाइट करके ये कहा दिया, देखो हिंदुत्व को छोड़ दिया, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को छोड़ दिया, यही जो आप कह रहे अजय पाठक जी, बोलिए बोलिए। देखिए बाला साहब परम श्रद्धेय बाला साहब जी के विचारों को तो उसी दिन तिलांजलि दे दी है जिस दिन सोनिया गांधी जी के गोद में जाकर के बैठ गए, उसी दिन तिलांजलि दे दिए। अब वो किस तरह के ऐसे वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहे हैं, जो जो जिस बाला साहब ने ये कहा था सभी लोगों को पब्लिक में है कि उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ जीवन में समझौता करना पड़े तो मैं अपनी दुकान को ताला लगा दूंगा, ताला लगा दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब अपने स्वार्थ बस जाकर के वहां बैठ गए उनकी गोद में, और आज उस वहां के रैली में आप देखिए नाम्बियार जी, जो शिवाजी पार्क की रैली थी उसमें सभी हिंदू विरोधी एजेंडे, सनातन विरोधी एजेंडे के लोग उसको लीड कर रहे हैं। उसको लीड कौन कर रहा था, स्टालिन कर रहे हैं, स्टालिन के बेटे कर रहे हैं, ए राजा कर रहे हैं, और ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है। जो राम, एक बार ममता बनर्जी जी का देखिए ना, एक लोग जय श्री राम का नारा लगा दिए तो गाड़ी से उतर करके उनके ऊपर क्या क्या चीजें की, उनको जेल भिजवाने का काम किया उन्होंने। इस तरह की चीजों को राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे साहब लीड कर रही है, तो आप ये समझिए कि इस देश का सनातनी कितना क्षुब्ध होगा, खासतौर से महाराष्ट्र का जो हिंदू है उसका हृदय कितना व्यथित होगा। आज वो उद्धव साहब के बारे में क्या सोच रहा होगा कि आखिर उद्धव ठाकरे की ऐसे क्या मजबूरी हो गई कि हिंदुओं को जो समाप्त करने की बात करते हैं, जो हिंदुओं को पानी पी पी करके गाली देते हैं, टुकड़े टुकड़े गई के लोगों के साथ उद्धव साहब ठाकरे क्यों वहां पे बैठे हुए थे मंच पे, और क्यों मौन थे, क्यों उन्होंने हिंदू जिस तरह से हर अपने सभा में वो हिंदुओं का नाम लेते थे, इस सभा में हिंदुओं का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया। तो ये मजबूरी उद्धव साहब की है। उद्धव साहब को ये पता है कि हमारी पार्टी समाप्त हो गई है, मजबूरी है कांग्रेस के साथ। पाठक जी कहने का मतलब ये हुआ, क्या इसी वजह से राज ठाकरे जी को लेकर आए हैं आप यहाँ पर एनडीए में? क्योंकि असली ठाकरे तो वो है, जैसे हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, अभी से नहीं, हम लोग तो 2006 से कह रहे हैं, 2006-2007 से, कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी तो राज ठाकरे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों ने उस वक्त सर्वे कैरी किया था और 10,300 के करीब, उससे भी ज़्यादा शायद ऐसे में आए थे, हर एक ने ये कहा था कि राज ठाकरे जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। ये मतलब आई कैन वी हैव प्रूफ ऑफ इट, पूरी एविडेंस है हमारे पास, दिस वाज सेड ऑन द आरकेवी शो,
ऑन सहारा 10,300 odd SMSs में से 99% ऑफ द पीपल सेड राज ठाकरे इज द ट्रू इनहेरिटर ऑफ बाला साहब ठाकरे. नाउ दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक. अगर राज ठाकरे जी आपके साथ आपके पास अगर आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो कार्यकर्ता अभी भी उद्धव सेना के साथ हैं हो सकता है कि वो अपना मन बना लें और इस तरफ आ जाएं. मुझको ऐसा लग रहा है. पाठक साहब आप बताएं. बजाज जी मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ. मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ उस समय से जब आप सहारा में थे और मेरे ख्याल से आप बिना दाढ़ी आप जी बिना दाढ़ी के जी 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 और नाम्बियार जी एक हल्की फुल्की बात कर रहा हूँ. नाम्बियार जी एक बार मेरे ख्याल से चुनाव लड़े थे वहां से जी. एक बार नहीं दो बार वाकोला से. हाँ, से आप लोगों को फॉलो करता हूँ आप लोगों को जानता हूँ. देखिए जहां तक राज ठाकरे साहब की बात रही नो डाउट कि राज ठाकरे साहब महाराष्ट्र के राजनीति के एक बड़े स्तंभ है. इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता किन्हीं कारणों बस वो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का. लेकिन राज ठाकरे साहब की फॉलोइंग तो पूरे महाराष्ट्र में है ही है. इसको अजय ठाकरे डिनाई नहीं कर सकते या कोई नहीं डिनाई कर सकता. आपने प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य को पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं नोट किया. कुछ अखबारों ने कुछ मीडिया हाउस ने उनको लिखा था कि ये 2029 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं हम 2029 की नहीं 2047 की तैयारी कर रहे हैं जी. तो ये आप इसके मूल में समझिए आज भारतीय जनता पार्टी को ये 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है जी. हमारे लिए ये चुनाव हम तो चुनाव उसी तरह से लड़ते हैं साहब जैसे पहला चुनाव लड़े थे उसी तरह से हम आज का भी चुनाव लड़ेंगे और इसके आगे आने वाला भी चुनाव लड़ेंगे. हम हमारे जैसे कार्यकर्ता हम लोग 5 साल में एक बार चुनाव नहीं लड़ते. हम 5 साल कंटिन्यू चुनाव की तैयारी करते हैं और तैयारी करके हम 5 साल जमीन पे तैयारी करते हैं अपने पेपर की तैयारी करते हैं एक एक वोटर की तैयारी करते हैं. जो हमको इस बार वोट नहीं दिया हम उसके पास 100 बार जाते हैं. हमारे मोहल्ले में अगर किसी व्यक्ति ने वोट नहीं दे दिया तो 50 बार हम उसके पास जाकर के उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. उसके पास बार बार हम जाते हैं हम अपनी योजनाएं ले जाते हैं हम अपनी चीजों ले जाते हैं जिसमें हमारा हमको वोट नहीं किया दिया है सबसे ज्यादा हम उसी का काम करके दिखाते हैं. पाठक साहब आप पे आरोप है कि आप संविधान को चेंज करना चाहते हो. ये 400 पार जो आप नारा लगा रहे हो ये इसीलिए कि आप संविधान में बदलाव लाना चाहते हो. क्या ये हिंदूवादी सब इकट्ठा करके एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे. वो राहुल गांधी जी कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार लोगों को और खड़गे साहब तो हर मंच पर ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 400 पार इनको इसलिए चाहिए बिकॉज ये संविधान को बदलना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र का एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. तो इसमें कितना सच्चाई है क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा. नाम्बियार जी हिंदू राष्ट्र है या नहीं है इसका तो जवाब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दे दिया. एमपी के चुनाव में आपने सुना होगा कि कमलनाथ जी ने बता दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है. कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बता दिया और कांग्रेसियों को उनकी बात सुनना चाहिए उनकी बाइक बार बार चला करके देखनी चाहिए कि कमलनाथ जी ने क्या कहा था एमपी के चुनाव में अभी 4 महीना पहले का. जहां तक बात रही खड़गे साहब की खड़गे साहब के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं. खड़गे साहब ना इस देश में मोदी के अगेंस्ट कोई नैरेटिव खड़ा कर सकते ना हमारे जो 10 साल की सरकार चली है उसके खिलाफ कुछ कर सकते. तो उनके पास इसके अलावा संविधान की दुहाई तो ये 2014 से आज तक देते आ रही है. हर क्षेत्र में संविधान की दुहाई देते हैं. अब एक नया सबूत आया कि बीजेपी पूरा संविधान चेंज कर देगी. इस संविधान को कोई इस भारत का चेंज नहीं कर सकता. लेकिन ये सच्चाई है. ये सिर्फ और सिर्फ उनका मिथ्या वचन है. वो डिप्रेशन में है. पूरी पूरी कांग्रेस डिप्रेशन में है. कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है.
खड़ा करना चाहती है, लेकिन इस देश की जनता उसको बार बार नकार दे रही है। कभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे आते हैं, कभी कभी किसी और चीज पे आते हैं, कभी किसी और चीज पे आते हैं, और अभी ये आ गए हैं कि पूरा संविधान चेंज हो जाएगा। मुद्दे की बात करो, आपके पास मुद्दे क्या है? आपके पास इस देश में कोई रोड मैप ही नहीं है इस देश को देने के लिए। आप सिर्फ संविधान संविधान की बात करते आ रहे हैं। अजय पाठक जी, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इट हैज बीन अमेंडेड 106 टाइम्स एज ऑफ टुडे। 106 बार भारत के संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 1952 में जब ये अडॉप्ट हुआ, उससे लेकर के 2023 दिसंबर तक देर हैव बीन 106 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन कोई चेंज नहीं कर सकता? 106 बार तो चेंज हुआ है ना, तो ये क्या है मतलब मेरी समझ के बाद। और उसमें प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर, 93 बार 93 टाइम्स नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स ने चेंज किया है। जो संशोधन लाए ना, सबसे ज्यादा नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स लेकर आई हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस लेकर के आई है। तो इनको तो मतलब ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज द सैंक्टिटी, क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल रिमेन द सेम, एवरीथिंग एल्स विल हैव टू बी चेंज्ड। उसमें क्या है पाठक जी? अजय पाठक जी देखिए, बजा साहब देखिए, कांग्रेस का डर किस चीज का है? कांग्रेस के अंदर में कांग्रेस के अंदर ये डर है कि हमारी जो सीटें हैं वो 20-25 से ज्यादा नहीं आ पाएंगी। इस देश को डर दिखाओ, इस देश को ये डर दिखाओ कि संविधान ही चेंज कर, तो आपने बताया 99 हुए, संविधान ही चेंज कर देंगे। उनका जो वो जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान ही चेंज कर रहे हैं। वो कहां बोल रहे हैं कि इसमें संशोधन कर देंगे संविधान के अंदर? उनका वर्ड तो देखिए, वो बोल रहे हैं पूरा संविधान ही चेंज कर देगी बीजेपी। ऐसा न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की चीजें है। कांग्रेस को पता है कि हम मोदी साहब के खिलाफ कोई चीज ले नहीं आ पा रहे हैं। हमारे पास इस देश को देने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। जहां इस देश को समृद्ध बनाने का मोदी जी का एजेंडा है, जहां इस देश को परम वैभव पे पहुंचाने का है, जहां इस देश को सुपर पावर बनाने का है, जहां इस देश को चंद्रमा और सूर्य पे पहुंचाने की बात है, वहां कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिल करके संविधान की दुहाई दे रही है। उस संविधान के जिसको इन्होंने खुद ही 80 बार चेंज किया, 82 बार जी, 82 बार संशोधन लेके आए, 90 बार संविधान की बार-बार दुहाई दे रही है, 90 टाइम। लेकिन सर चलते चलते 90 बार सर, 90 बार। लेकिन सर ये तो बता दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू है वो कितना कारगर होगा इस चुनाव में? या वो भी राफाल चौकीदार चोर है, राफाल स्कैम की तरह, वो भी एक मतलब छोटे से पटाखे की तरह उड़ेगा और खत्म हो जाएगा? पाठक साहब बताएं। बजा साहब, इस इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के पहले की स्थिति आप देखिए ना, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नंबिया साहब, उसके पहले की स्थिति देखिए क्या थी। आप 10 रुपया लेते थे, 9 रुपया काट जाता था, 1 रुपया आप दिखाते थे जी। आज की परिस्थिति ऐसी है कि आपने जितना पैसा लिया है कहीं ना कहीं उसका 1-1 रुपए का हिसाब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट आज ये खड़ा हुआ है कि वो हिसाब मुझे दो, और आज उसके पास हिसाब वो पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट को मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पिछले 50-60 सालों का भी हिसाब मांग लेना चाहिए ना कि भैया इसके पहले जो था उसमें क्या प्रॉब्लम था, वो उसमें कितना पैसा किन पार्टियों को मिला वो भी ले आइए। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने तो भरे मंच से कहा, चुनावी सभाओं में कह रहे हैं, हाँ भाई हमारी सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, 15-16 स्टेट में हमारी सरकारें चल रही हैं, हमको सबसे ज्यादा चंदा मिला। लेकिन उनको क्यों मिला जो एक प्रदेश में है? दूसरे नंबर पे वो क्यों आ गए? तीसरे नंबर पे कांग्रेस क्यों आ गई? अगर आपको ये इलेक्ट्रोनल बॉन्ड में कुछ प्रॉब्लम था तो जब 2000
16 में ये आया था उसी समय आपने मना क्यों नहीं कर दिया, 2017-18 में आपने मना क्यों नहीं कर दिया कि नहीं इसके थ्रू हम पैसा नहीं लेंगे, इसके थ्रू हम एक रुपए नहीं लेंगे, आपने स्वीकार भी किया और सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एकदम पानी की तरह साफ है, आज नहीं तो कल, अभी 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इसमें सभी चीजें। और आप तो जानते हैं कि जिन लोगों ने 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा दिया उसको डिक्लेयर करना पड़ता है इनकम टैक्स के अंदर, तो चुनाव आयोग के अंदर, तो सारी चीजें पारदर्शी है, इसमें कोई कुछ नहीं है। ये भी इसी तरह से जैसे आपने बताया रफाल और बाकी की चीजें चौकीदार की तरह, या अभी जो चीजें राहुल गांधी 54 साल की उम्र में बेचारे पॉलिटिकल टूरिज्म पे जो निकले हुए हैं, वो सब की सब चीजें 25 सीटों पे सिमट जाने वाली है, इसीलिए इनको ये बेचैनी। जी अजय पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट यू, थैंक यू सो मच सर, जय सियाराम, जय सियाराम। अच्छा भाई आप गए कि नहीं अयोध्या, गए कि नहीं सर अभी तक राम मंदिर दर्शन किए? दो बार जा, क्या बात है, क्या बात है यार, हम लोग तो एक बार भी नहीं गए, धन्यवाद। और जब आप वहाँ जाएंगे, आप जाएंगे तो मुझे बताइए, मैं सारा इंतजाम करता हूँ वहाँ पे। अरे सर अभी तो चुनाव चलो देखते हैं, but this is really nice, thank you so much sir, thank you very much, thank you sir, and thank I feel you. And I feel so happy that you've gone there twice, you are blessed, kya baat hai sir, Ram Lala ka aashirwad hai sir aapke sath, thank you so much, jai sri ram, thank you sir wow, he's gone there twice already, yes do baar yaar, hum to ek baar bhi nahi gaye, ye kya ho gaya, abhi jana chahiye bilkul, lekin abhi to chunav shuru ho gaya, kahan se jayenge, aur is waqt congress